आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर कर्फ्यू और लॉकडाउन का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के नागपुर में लॉकडाउन और कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसकी घंटी बज चुकी है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार सोमवार को इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। दरअसल शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में साफ कहा कि यदि कोरोना संक्रमण कम नहीं होता है तो नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। शुक्रवार को संक्रमण को लेकर हुई बैठक के दौरान आला अफसरों ने उनके सामने संक्रमण के डाटा रखे, जिस पर सीएम ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अभी एक दो दिन के डाटा और देखे जाएंगे। इस बीच यदि संक्रमण बढ़ता ही रहा तो 15 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। इधर मध्य प्रदेश में अब कोरोना के लिए नई गाइडलाइन भी तैयार की जाएगी। सीएम ने इसके लिए गृह विभाग को निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि कोरोना रिव्यू में तय किया गया है कि जिन जिलों में 10 से ज्यादा कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं वहां विशेष सख्ती की जाए। ऐसे शहरों के बाजारों पर पाबंदी के लिए स्थानीय स्तर पर प्लान बनेगा और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य की जाएगी। बैठक में बताया गया कि अभी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सागर, उज्जैन, खरगोन और रीवा में रोजाना 10 से अधिक केस आ रहे हैं। इधर देश में कोरोना की दूसरी लहर की आशंकाएं उठ रही हैं। बता दें कि महज 24 घंटे के भीतर देश भर में कोरोना के 23,285 नए मामले सामने आ चुके हैं।